हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब वक्त है बिहार के चुनावी अपडेट का। सन ऑफ मल्हा यानी कि मुकेश सहनी किसी पार्टी से गठबंधन करने वाले हैं। एलजेपी के किस सांसद के घर में बगावत हुई है और पुष्पम प्रिया के पिता अपनी ही पार्टी से क्यों नाराज है? बिहार के चुनाव की हर खबर इस रिपोर्ट में। तेजस्वी यादव पर धोखा देने का आरोप लगाकर महागठबंधन से अलग हुए मुकेश सहनी बीजेपी से गठबंधन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सहनी की पार्टी वीआईपी और बीजेपी के बीच गठबंधन का ऐलान जल्द होगा। गठबंधन की बातचीत के सिलसिले में सहनी ने दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। महागठबंधन में शामिल सीपीआई एमएल ने कहा कि वो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सरकार में शामिल नहीं होगी। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी ने सिर्फ बीजेपी की लोकतंत्र विरोधी और फांसीवादी मुहिम को रोकने के लिए कांग्रेस और आरजेडी से गठबंधन किया है। नहीं, सरकार में शायद हम लोग शामिल नहीं होंगे। हमारा काम होगा कि सरकार सही रास्ते पर चले और जनता के जो मुद्दे हैं, जो उम्मीद है, वो पूरी हो। इसके लिए देखना, हम सरकार की मदद करेंगे, हो सकता है बाहर से ही करें। बिहार में चुनाव से पहले एलजेपी को झटका लगा है। खगड़िया से एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ कैसर आरजेडी में शामिल हो गए हैं। यूसुफ ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए आरजेडी की सदस्यता ली। प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता और जेडीयू नेता विनोद चौधरी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विनोद चौधरी ने एमएलसी चुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दायर किया। विनोद चौधरी ने पार्टी को चुनौती दी है कि वो उन्हें बर्खास्त करे। पार्टी से बगावत के बाद विनोद चौधरी खुलकर अपनी बेटी पुष्पम प्रिया की पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच एक और राजनीतिक हत्या हुई है। पटना के हाजीगंज इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े वार्ड नंबर 67 के पार्षद मुन्ना जायसवाल के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर आगजनी की।